रवि किशन भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ ही पल में अब संबोधन शुरू हो जाएगा। सिख समुदाय के लोगों को वे संबोधित करेंगे इस क्षेत्र में जहां सिख आबादी काफी बहुतायत में है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सरदार जसपाल सिंह जी, महामंत्री गुरुद्वारा मोतीपुर सरदार मनमोहन सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा पैडलेगंज सरदार कुलदीप सिंह नीलू जी, अध्यक्ष गोपाल मंदिर मोतीपुर से दीपक कक्कर जी, अध्यक्ष राधा कृष्ण मंदिर पैडलेगंज से अर्जुन कोहली जी, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा मोतीपुर सरदार अमृतपाल सिंह जी, संरक्षक खत्री महासभा डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, अध्यक्ष खत्री महासभा श्री हेमंत चोपड़ा जी, बलवीर सिंह जी, सतपाल सिंह कोहली जी, जोगेंद्र सिंह जी, सतविंदर सिंह जज्जी जी, श्री रविंद्रपाल सिंह जी, जयपाल सिंह कोहली जी, मनजीत सिंह भाटिया जी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग सरदार परमिंदर सिंह जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सदस्य उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी सरदार जगनैन सिंह नीटू जी, और यहाँ से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गोरखपुर और मुझे लगता है कि आप सभी लोग हर चुनाव में एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मेरे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन उस समय में प्रत्यक्ष रूप से सभा के माध्यम से आपके बीच में आ पाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मुझे जाना पड़ेगा और उसी कार्यक्रम के साथ मैं जुड़ा हूं, इसलिए गोरखपुर में जैसे मेरे चुनाव में पहले आप लोग सभी लगकर के चुनाव जिताने में योगदान देते थे, ये पूरी जिम्मेदारी आप सब स्वयं निर्वहन कर रहे हैं। मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा हूं और इसके लिए मैं एक बार स्वयं भी मोतीपुर पंजाबी समाज और यहां पर गोपाल मंदिर में भी और गुरुद्वारा में भी मैंने अभी दर्शन करने के बाद मेरे साथ हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और अन्य सभी गणमान्य यहां पर हैं। एक लंबी जो एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर चली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए, और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है ये सब आपके सामने है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपनी पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत ही दिस से देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दृश्य बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। न केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो लोग, जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है और यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। इससे पहले मैं यहाँ पर जब भी कार्यक्रम होते थे गुरुद्वारा में, गोपाल मंदिर में आने का मुझे अवसर प्राप्त होता था। मुझे इस समय जब मैं लखनऊ में रहता हूँ तो लखनऊ के किसी न किसी गुरुद्वारे में मैं अवश्य जाता हूँ। सरदार परविंदर सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं देखता हूँ वही उत्साह, वही उमंग। और हम लोगों को क्यों नहीं गुरु परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्योंकि इस परंपरा ने विपरीत परिस्थितियों में इस देश को बचाया है। देश और धर्म के लिए जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है। उसे शब्दों में व्यक्त करना एक कठिन चुनौती है और इसीलिए आपने देखा होगा 2 साल पहले हम लोगों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में पहले गुरु नानक देव जी की जब 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर झांकी आई थी तो कीर्तन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर ही हम लोग आयोजित कराए थे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के पावन कार्यक्रम को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया। और जो मांग वर्षों से दशकों से थी कि बाल दिवस के रूप में साहबजादा दिवस को मनाया जाना चाहिए, इसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर घोषित किया। ये एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, आज पूरे देश के अंदर उस कालखंड में विदेशी क्रूरता का सामना करते हुए भी जिन लोगों ने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया, उन महापुरुषों के शहादत और बलिदान आने वाली पीढ़ी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनी रहे, इस दिशा से आज कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने यह उत्साह यहां पर दिखाया है और इस उत्साह के साथ आज आप यहाँ पर जुटे हैं। मैं तो आपके बीच का हूँ, आपका आदमी हूँ, आपका अपना हूँ, तो मेरे साथ तो कभी भी आप लोगों का संवाद बनेगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को उत्साह और उमंग के साथ हम लोगों को, एक एक व्यक्ति को, एक एक घर को जोड़ करके जहाँ पर
विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश के माध्यम से आगे बढ़ाना है, वहीं इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि मताधिकार हम सबका संविधान प्रदत्त एक अधिकार है, हम इसका प्रयोग जरूर करें। व्यक्ति भोजन करने में लेट कर सकता है, लापरवाही कर सकता है, लेकिन याद रखना कभी भी अपने संविधान प्रदत्त इस अधिकार को समय से प्रयोग करने में कभी भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और अभी से एक ही तैयारी कि हमें मताधिकार करना है। नगरीय क्षेत्रों में अक्सर लोग लापरवाही दिखाते हैं और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई लापरवाही न हो, सभी लोग इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ पर मोतीपुर में, यहाँ पर हमारा पवित्र गुरुद्वारा है, यहाँ पर पवित्र गोपाल मंदिर भी है, पंजाबी समाज और यहाँ के पूरे सर्व समाज से जुड़े हुए सभी जो भी प्रबुद्ध जन हैं, नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में गोरखपुर से आप सभी लग करके एक अच्छी जीत के लिए अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। आप सबको इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज मैंने यहाँ पर इस जनसंपर्क का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। बाकी जनसंपर्क कार्यक्रम हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी, पार्षद और सभी अन्य प्रबुद्धजन करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। आपने सुना सिख परंपरा ने